वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का चौथा राग, राग आसा, बड़ा ही प्यारा राग है। आसा राग दियां सुरावलियां गुरमत संगीत गुरबाणी कीर्तन प्रेमियों के राग राग विच वसियां ने। साध संगत जीओ, इको एक ऐसा राग है जिहड़ा सवेरे अते शाम नूं गाया जांदा है। सर्वकालीन राग कई हो चुके ने, कई ऐसे राग ने जिन्हां नूं सारा दिन असीं गा सकते हैं। उस्ताद लोगों ने, गुणी जनों ने उन्हें मन्या है, जिवें भैरवी शिवरंजनी नूं गा लिता जांदा है पहाड़ी। पर यह आसा राग ऐसा है, सवेरे आसा जी दी वार दे रूप विच सानूं आसा राग दीआं धुनां संसार भर के गुरु घरां विचों अते गुरमत संगीत प्रेमियों के घरां विचों गूंजदीआं सुणदीआं ने। शाम नूं जदों जीव थक्किआ हारिआ अपने घर पहुँचदा है तो आसा राग सुनन मिलता है सोदर चौंकी के रूप के। कहन तो मुराद कि इंसान जदों तरोताजा उठता है तो सारे दिन की सफुरती लिए आसा राग उन्हें स्ट्रोंग करता है। थकिया हारिया काम कार तो जो घर पहुँचता है आसा राग के सोदर चौंकी श्री रहरा साहब जी का पाठ सरवण करता है तो सारी थकावट उतर जाती है। इन्ना प्यारा राग है। रागात्मक पहलू वाल देखिए, इस राग का चलन कुछ इस तरह है। औड़ संपूर्ण ये राग है। इस राग का वादी स्वर मध्यम, संवादी स्वर पंचम, सारे स्वर ये शुद्ध लगते हैं। आरोह दे विच गंधार अते निषाद नू वर्जित किया जाता है। ये बहुत प्यारा राग मनिया गया। थाट इस राग का बिलावल है। इस राग दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की बाणी, श्री गुरु अमरदास जी की बाणी, श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी, श्री गुरु अर्जन देव महाराज की बाणी अते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की बाणी सानू दर्ज मिलती है। भगतों के विचों भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, भगत फरीद जी अते भगत धन्ना जी की बाणी सानू आसा राग दे विच मिलती है। अष्टपदियां वारां दे नाल नाल गुरमत संगीत दे अंतर्गत बिरहड़े, पट्टी, छंत, श्लोक सानू इस राग दे विच मिलते ने। सो साध संगत जी, आओ बड़े प्यार नाल इस राग दे विच दो शब्दों का कीर्तन सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
दर्शन परसन सरसन हरसन दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करता हरीर रंग रंगी करता हरीर हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी गुर I'm not afraid to die.